भारत सरकार जहां हर गांव को शहर से जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना जैसे कार्यक्रम तो चला रही है, वहीं गरियाबंद जिला मुख्यालय से 26 किलोमीटर की दूरी पर ग्राम जैतपुरी और आमदी के बीच सती नाला पर स्थित पुल पिछले 30-35 वर्ष से जर्जर हालात पर है। हमारे गांव में तो ये रपटा के बहुत बड़ समस्या है। इला हमनहार हमारे कलेक्टर ओकर पास भी ग्राम स्वराज में भी दे गए है, आदमी के नाम से अलग अलग भी दे हैं। एकर से काय हमारे गांव में गरु गाय है, मवेशी मन है डेली, अब बिना नदी पार करे तो जा नहीं सके। तो नदी पार करना है और काहे बाढ़ आ गए तो हर साल 4-5 मवेशी खत्म होना ही छे। और फिर बीच में ये रपटा के ये पार तो बहुत सारा गांव है, ये मन पूरा फंस जाते। और ये जो हमारे दर्री पारा है ना, तो दर्री पारा के कुवन विभाग के चौकीदार है, वो बाढ़ आ रही से रात में वो पानी के अनुमान नहीं लगा पाइस, वो भी खत्म होके बह गई। और एक लड़का है धवलपुर से आ रही, सो मढ़ई जात रही कोसमी, वो तो खैर बीच अभी गड्ढा है ना टूटे है, वही गड्ढा में आके मोटरसाइकिल से गिरी, सो भी खत्म हो गई। तो अभी कितना गड्ढा हो ही है? अभी है ना कमर भर से ज्यादा गड्ढा है, लेकिन अभी रेती में पट गए। वीडियो देखने वाले सभी दर्शकों से गुजारिश है कि ग्राम जैतपुरी और आमदी के बीच स्थित सती नाला पर पुल निर्माण किया जाए, जिसके लिए गरियाबंद जिला के कार्यपालन अभियंता पी के वर्मा जी को उनके ऑफिस के नंबर जो है 7706241606 इस नंबर पर फ़ोन करें। मैं रीना, ग्राम जैतपुरी, जिला गरियाबंद, छत्तीसगढ़, इंडिया, अनहट के लिए।